यार कितना सेटिस्फेक्शन होता है इसको ओपन करने में। क्या मस्त लग रहा जो भी बात है भाई, प्रोडक्ट जबरदस्त है, चीज मस्त है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज का वीडियो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में फाइनली फाइनली हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं अपना आईफोन 14 प्रो, जो कि हमने मंगवाया है और कितने में मंगवाया है, कितना डिस्काउंट पे हमने लिया है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, पूरा बताने वाले हैं आपको। पहले मैं बता दूं भाई, 1,15,000 रुपए का ये आईफोन 14 प्रो 512 GB का हमने ये फोन खरीदा है। आप ये देख सकते हो हमारे पास ये डब्बा है, इसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपके साथ हम अपना पहला आईफोन एप्पल का फोन का अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। भाई काफी एक्साइटेड है, बहुत मेहनत से थोड़ा 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 पैसा जमा करके हमने ये फोन खरीदा है, स्पेशली यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि हमें अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना था। और भाई इससे ज्यादा बेस्ट फोन, इससे ज्यादा बेस्ट कैमरा और हैंडी कैमरा हमें और कोई नजर नहीं आ रहा था इसके कॉम्पिटिशन में। तो गाइज, फाइनली फाइनली अब प्रोडक्ट हमारे पास है और टाइम आ गया है इसको अनबॉक्स करने का। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं और आपके साथ हम शेयर करते हैं अपना अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। पहले एक बार इसको ओपन कर चुके थे, बिकॉज दुबई से जो भी प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उसको ओपन करके ही लाना पड़ता है, नहीं तो फिर कस्टम वगैरह लगता है। तो इसको हमने फोन पे के टेप से चिपका दिया ताकि फिर से नई वाली फीलिंग आ जाए, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर 5% कम कर देते हैं, नई वाली फीलिंग तो नहीं आएगी। पूरा इसका डब्बा दिखाए तो देखो कैसा लगता है, आपने तो काफी बार देखा होगा। वाह, इसका जो लेकिन सही में डब्बा जो ओपन होता है ना भाई, कमाल का ओपन होता है, देखने में मस्त लगता है यार, क्या शानदार लग रहा है फोन। देखो ये आईफोन 14 प्रो स्पेस ब्लैक 512 GB। इसकी साइज की बात करें, ये हमारा पुराना पहले का फोन है और इसका जो साइज है वो 6.5 इंच है और इसका 6 इंच का है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है, देखिए इसके साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है, करीब 0.5 इंच से भी थोड़ा सा कम का ही डिफरेंस होगा और चौड़ाई में भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है। हालांकि इसके अंदर जो है ना कवर लगा हुआ है, ये बिना कवर के है, लेकिन काफ़ी सॉलिड और काफ़ी हैवी फील होता है, बहुत ही स्ट्रांग है, थोड़ा वेट में भी थोड़ा सा ये हैवी है। और बाकी भाई क्वालिटी में तो अब बात ही नहीं कर सकते इसके, हमको तो लगता है कि इसका जो डेटा केबल चार्जर एक्सेसरीज मिला ले उसके बराबर में ये पूरा फोन है। फोन की तो प्राइस की बात ही अलग कर दो। और ये अंदर से इस साइड से कटआउट है, एक ये आपको मिल जाता है, इसके अंदर कुछ किताबें वगैरह दी हुई है, और ये एक आपको सिम इजेक्टर पिन आपको मिल जाएगा, और एक आपको स्टिकर मिल गया है, जो कि ये वाला स्टिकर मैंने अपने इस वाले फोन पे लगाया हुआ था, बहुत पहले ही लगाया था, अभी दिख भी नहीं रहा होगा, तो पहले लगा लिया था, लेकिन अभी फाइनली 2 साल के बाद, ये स्टिकर लगाने के 2 साल के बाद हमने नया अपना खुद का आईफोन खरीद लिया है। जो भी बात है भाई, प्रोडक्ट जबरदस्त है, चीज मस्त है। तो इसको साइड में रखते हैं, ये किताब उताब इसको हटाते हैं साइड में, और इसके अंदर एक ये आपको केबल मिल जाता है, ये C2 लाइटनिंग केबल है और बाकी और डब्बे में कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। बहुत सारे लोग ये भी दिखाते हैं कि डब्बे के अंदर कवर मिलता है, भाई वैसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ कवर ओवर नहीं होता है, बस इतना ही चीज मिलता है। अब हम इसको अब ओपन करते हैं, ये देखिए यार कितना सेटिस्फेक्शन होता है इसको ओपन करने में। क्या मस्त लग रहा है, चलिए अब इसको बूट करते हैं, ओपन करते हैं और आपको हम दिखाते हैं। आ गया एप्पल का लोगो। तो फाइनली देखिए भाई, ये जो है ओपन हो गया है, और इसके अगर हम फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो आप ये देख सकते हो इसके अंदर ये हमारा लाइटनिंग पोर्ट, जो कि आप पहले ही पता होगा, इसके अंदर एक स्पीकर है और एक आपका माइक हो गया, ये 2 होल है
दोनों साइड में। वैसे इसके अंदर स्पीकर जो होता है वो स्टीरियो स्पीकर होता है, तो वो आपको यहाँ से भी स्पीकर होता है और यहाँ पे भी स्पीकर होता है, तो दोनों साइड से आपको मिक्स होकर के आपको इसका आवाज मिलता है। अभी स्पीकर हम टेस्ट करेंगे और आपको कुछ गाना वाना सुना करके हम बताएंगे। कैमरा आप देख सकते हो, कैमरा मॉड्यूल ये 3 कैमरा का सेटअप मॉड्यूल है, और ये आपका एक ऑन ऑफ का ये बटन हो गया। इस साइड आपका वॉल्यूम रॉकर है, एक डाउन करने के लिए, एक अप करने के लिए। ये आपका अलर्ट स्लाइडर है, इसके अंदर जैसे ऐसे करते हैं तो ये साइलेंट हो जाता है, बस यही होता है। पता नहीं और क्या क्या होता है, मुझे नहीं पता है। बाकी ये आइलैंड है, आइलैंड का भी मुझे आइडिया नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है, वो सारी चीजें हम आपको धीरे धीरे सीख करके हम आपको बताएंगे। सेटिंग में चल करके हम देख लेते हैं सेटिंग में क्या क्या इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे बहुत सारा ऑप्शन दिया होता है, एप्पल आईडी बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, वो सारा चीज हमने किया है जल्दी जल्दी में, उतने अच्छे से नहीं किया, धीरे धीरे हम इसको समझ समझ करके करेंगे, बिकॉज इसको समझने में थोड़ा मुझे एक दो दिन टाइम लगेगा। और इसके अंदर कुछ अगर हम ऐप्स की बात करें तो ये कुछ इसके अंदर ऐप्स प्री इंस्टॉल्ड है, हमने एक भी ऐप इसके अंदर अलग से एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया नहीं है, ये पहले से सारा कुछ इंस्टॉल किया हुआ हमें मिला है। तो इसके अंदर हमें यूट्यूब मिल गया, अच्छा ये एक हमने ये गेम वाला जो है ऐप हमने डाउनलोड किया, तो बाकी और कोई भी हमने डाउनलोड नहीं किया है। व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी इसके अंदर नहीं मिलता है, जैसे कि एंड्रॉयड में देखेंगे आपको बहुत सारा ऐप्स आपको मिलेगा, फालतू वाला ऐप्स जिसका हमें कभी यूज भी नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर वैसा नहीं है। अब इस ऐप में से भी अगर हम चाहे इसको डिलीट करना नहीं रखना है तो उसको भी हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते, अभी तो मुझे नहीं पता है, इसको हम देखेंगे और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना और हमारे साथ जुड़ जाओ। हमें एक्चुअली अगर देखा जाए तो बेसिकली ये तो हम एक जस्ट हमने एक फोन लिया है जिसका एक्सपीरियंस, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, बट ये हमारा कंटेंट है नहीं। एक्चुअली हमारा जो एक्चुअल कंटेंट है वो है बैंगलोर में जॉब से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, कॉलेजेस से रिलेटेड, पीजी से रिलेटेड, फ्लैट से रिलेटेड, इस टाइप से रिलेटेड हम वीडियोज बनाते हैं। तो हमने एक चीज खरीदा और इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया, बस यही था इस वीडियो में। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर मन करे तो, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।